तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर है, रिजल्ट आ चुके हैं उपचुनाव को लेकर। बड़ी खबर यहां पर है कि कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है इन दो राज्यों के उपचुनाव जो हुए हैं, और किसको कितनी सीटें मिली हैं आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार की राजनीति की गई है और गठबंधन की सरकार बनी है, उसके परिणाम आने वाले चुनावों में किस पार्टी को कितना नुकसान दिखाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बन चुके हैं, ये बड़ी खबर है। लेकिन उपचुनाव भी रिजल्ट आ चुके हैं। इस बीच अगर पश्चिम बंगाल की तीन सीटों की बात करें तो बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन किसको कितनी सीटें मिली है इसके अलावा भी उत्तराखंड के लिए एक सीट पर चुनाव किए गए हैं। दरअसल कालियागंज विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रमत नाथ रे का 31 मई को निधन हो गया था, तब से यह सीट रिक्त है। वहीं खड़गपुर सदर से भाजपा विधायक दिलीप घोष और करीमपुर से टीएमसी विधायक महुआ मोइना के लोकसभा में निर्वाचन होने के कारण इन तीनों सीटों पर चुनाव किए गए। आपकी जानकारी की बता दें कि पश्चिम बंगाल की तीन सीटों पर चुनाव किए गए, जिनमें एक सीट पर कांग्रेस, एक पर बीजेपी और एक पर टीएमसी का शासन था। लेकिन जो उपचुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट क्या है, देख सकते हैं आप कि पश्चिम बंगाल की तीनों सीटों पर टीएमसी का कब्जा हो चुका है। किसको कितने अंतर से मिली है मात, आगे बात करेंगे। अगर बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड की एक सीट जो है वो बीजेपी ने अपने नाम की है। अगर बात करें तो पार्टी उम्मीदवार सरकार खड़गपुर सदर से 20,800 मतों से यहाँ पर जीते हैं। तपन देव सिंह ने यहाँ पर कालियागंज से 2,414 मतों के साथ विजय दर्ज की है। कालियागंज सीट कांग्रेस के खाते में पहले थी, लेकिन कांग्रेस को भी नुकसान हुआ, कांग्रेस इस सीट को हार चुकी है। करमपुर से यहाँ पर पहले भी यहाँ पर टीएमसी का शासन था, इस बार भी टीएमसी जीती है। इसके अलावा बात करें तो उत्तराखंड की एक सीट जो है वो बीजेपी के खाते में गई है। कांग्रेस को इस सीट पर कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन अंत में बीजेपी ने इस सीट को जीत लिया है। तो चार सीटों पर चुनाव के बेहद ही चौंकाने वाले नतीजे आए, जहां कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान हुआ तो ममता बनर्जी को जबरदस्त फायदा हुआ है। तो कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुला इन चार सीटों के लिए। तो क्या गठबंधन का यहां पर असर देखने को मिला या नहीं, या जो भी कुछ है अपने हिसाब से आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।